किसी सिद्ध महाज्ञानी ने कहा है कि लाल पानी के चंद घूंट कई तकलीफों का निवारण कर देती हैं। महाज्ञान के इसी सागर में डुबकी लगाए सीरीज बेवड़ा भूत की टीम की तरफ से आप सबको सादर चीयर्स। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है, गौरव कुमार पांडे। अच्छा, अब तक का कोई एपिसोड अगर आपसे छूट गया है तो इस गुनाहे अजीम से तौबा करें और तत्काल सुन के अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। खैर, पिछले एपिसोड में अपने भूत भैया सोनू तिवारी को पता चला कि उनका दोस्त शिवम एक शक्तिशाली प्रेत के कब्जे में है। वो प्रेत सोनू को भी धमकी देता है और वहां से भाग जाने के लिए कहता है। भाग जा यहां से, जा वरना तुझको बचाने वाला भी यहां कोई नहीं होगा। जा, ये मेरा घर है, ये मेरा शमशान है। अरे बाप रे भैया, आप तो भूत लोगों के मोगैम्बो लग रहे हैं एकदम। हाँ हूँ, इस शमशान में कई सालों से मेरा ही राज है। कई सालों से? मतलब आपका गणित थोड़ा कमजोर है का? आपको पता ही नहीं है कि 5 साल से आपका राज है, 10 साल से है, 15 साल से है, कितना साल से है? अरे गजब, आप तो सन्नी देवल की आवाज निकाल लेते हैं। मरने से पहले मिमिक्री आर्टिस्ट थे का? है? सच बताओ, सही में सनी जी की आवाज लग रही थी ना? हाँ भैया, एकदम डिट्टो कॉपी लग रहा था। एक और डायलॉग सुनाइए ना। कात्या, ये मजदूर का हाथ है, लोहा पिघला के औजार बना देता है। अरे गजब, जब जिंदा थे तो आपका तो डोला शोला रहा होगा पक्का। अब तो खैर भूत बन गए, अब कहाँ। इतना सुनते ही शिवम के अंदर के प्रेत का ईगो हर्ट हो गया। वो गुस्से में तमतमा गया। चिता के आसपास के भस्म को हाथ से उड़ाने लगा जैसे कोई पवंडर हो। लेकिन सोनू भी तो भूत ही था, वो डरा नहीं। इसके बाद प्रेत का गुस्सा और बेकाबू हो गया। उसने सोनू की गर्दन पकड़ ली और एक हाथ से उसे हवा में उठा दिया। सोनू छटपटाने लगा। बता, ताकत है कि नहीं? बोल ना, बोलता क्यों नहीं? सोनू की गर्दन बुरी तरह से जकड़ गई थी, आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी किसी तरह मैनेज करके बोला, अरे भैया, हम तो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहे थे। क्यों, तुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है क्या? भैया गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। प्रेत ने सोनू को हवा में ही छोड़ दिया। वो थम से नीचे आ गिरा, उठा और बोला, हे प्रेत जी महाराज, हमारे दोस्त ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे जाने दीजिए। ये मेरा शिकार है, इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। प्लीज ना प्रेत जी, छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं। प्लीज नो। अबे डरा कह रहे हो बे, प्यार से बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा का? इतना चप्पल मारेंगे कि दिमाग ठीक हो जाएगा। छोड़ साला हमारे दोस्त को, छोड़। इतनी खरी खोटी सुनकर प्रेत आग बबूला हो गया। उसने चिता से एक जलती हुई लकड़ी उठा के सोनू की तरफ फेंकी। सोनू ने दूसरी तरफ उड़ के खुद को बचा लिया। जवाब में सोनू ने एक मुट्ठी रेत उठाकर प्रेत की आंखों में फेंकने की कोशिश की, जिसे प्रेत ने सिर्फ हल्की सी फूंक से उड़ा दिया। सोनू ने इस बार पास पड़े एक पत्थर से प्रेत पर वार किया, जिसे उसने कैच किया और क्रश करके चकनाचूर कर दिया। प्रेत ने अपनी पावर से इस बार चिता की 4-5 जलती लकड़ियों को सोनू की तरफ उछाला और दूसरे हाथ के इशारे से रेत सोनू की आंखों में झोंक दी। सोनू जलती लकड़ियों के नीचे आने ही वाला था कि दूर से कोई उड़ता हुआ आया और सोनू को
बचा लिया। सोनू ने खुद को संभाला और चौंकते हुए कहा, अरे रोज जी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? Are you mad? मुझे बिना बताए तुम वहाँ से क्यों चले गए? तुमको जरा सा भी समझ नहीं आया कि मैं अकेले हो जाऊंगी? मैडम जी, मुझे शिवम की फिक्र हो रही थी, आप कहीं नजर नहीं आ रही थी तो मैं निकल गया। लड़ाई के बीच एक फिरंगी चुड़ैल से सोनू को चिक चिक करता देख प्रेत से रहा नहीं गया। उसने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, अब ये कौन है बे? सोनू कुछ कहता उससे पहले ही रोज ने प्रेत की तरफ देखा और गुस्से में गुर्राई, यू ब्लडी पीस ऑफ शिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोनू पर अटैक करने की? आई विल टियर यू टू पीसेस यू मोरन। पूरा तो प्रेत को भी समझ नहीं आया, लेकिन गुस्सा देखकर वो इतना तो समझ गया कि अंग्रेजी में गाली पड़ रही है। वो बोला, मैडम देखने में तो अच्छे घर से लग रही हो, गाली मत दो, नहीं तो मैं तो क्या कर लोगे? प्रेत ने चट से रोज के गाल पर एक चांटा मार दिया। रोज ने अपने बाल खोले और तेजी से उड़ती हुई प्रेत के कंधे पर सवार हो गई। उसने उसके बाल जोर से पकड़कर खींचने शुरू कर दिए। उधर अचानक हुए हमले से रिकवर करते हुए प्रेत ने रोज के बाल पकड़े और रेत पर पटक दिया। सोनू दौड़ता हुआ रोज के पास पहुंचा और पूछा, रोज जी, आपको चोट तो नहीं लगी? नो, मैं तो ठीक हूँ। रोज की हकलाती आवाज सुनकर सोनू को सदमा लग गया। उसे प्रेत पर बहुत तेज गुस्सा आया। उसने मन ही मन सोचा, मन तो कर रहा है साला इसका खोपड़ी तोड़ दे। अबे मन में इतना जोर से मत सोचो, हमको सब सुनाई दे रहा है। सोनू ने गुस्सा कंट्रोल करके थोड़ा धीरे से सोचा, जब इतनी पुरानी चुड़ैल को इसने इतनी आसानी से पटक दिया तो इससे लड़ाई करने का फायदा नहीं है। उसने अपने बिहारी बुद्धि का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। पहले तो उसने रोज के कान में कुछ कहा और रोज वहां से चली गई। फिर वो एकदम से खड़ा हुआ और प्रेत की तरफ देखकर जोर से बोला, गजबे आदमी है महाराज, महिला पर हाथ उठाते हुए शर्मलाज नहीं आता है, भूत समुदाय का नाक कटा दीजिएगा का? अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते, भूत भूत भाई भाई, भूत भूत भाई भाई। अच्छा तो गोरी चुड़ैल कौन हुई? आपकी भाभी। इतनी देर में रोज एक विस्की की बोतल ले आई। बोतल देखते ही अपने बेवड़े भूत का दिल हमेशा की तरह जोर जोर से धड़कने लगा। उसने 3 पैक बनाए और प्रेत की तरफ देखकर कहा, आओ छलकाए जाम अपनी नई दोस्ती के नाम। चीयर्स। तीनों ने चीयर्स किया और एक घूंट में पूरा पैक खत्म कर दिया। फिर अगला पैक बना, फिर एक और एक और। 4 पैक के बाद सोनू ने बातचीत फिर से शुरू की। प्रेत भैया, अभी तक आप अपना नाम नहीं बताए। तुमने पूछा ही नहीं। क्या पूछते, आते ही डराने लग गए, गर्दन पकड़ के हवा में टांग दिए, प्यार से बात करते तब ना नाम पूछते। सॉरी यार, तेरे पे हाथ उठाया, तू मेरा भाई है, तू बहुत अच्छा है, बोल बोल तुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, रहने दीजिए, नहीं आप फिर मारने पीटने लगेंगे। अरे नहीं यार, कई सालों बाद कोई दोस्त बना है, बता क्या चाहिए? तो आपको दोस्ती की कसम, हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। ए, तेरे हिम्मत कैसे हुई? देखिए पिना गए ना। अरे पागल, मैं मजाक कर रहा था, तू ले जा अपने दोस्त को। ये बोलकर प्रेत शिवम के शरीर से निकल गया और वहां से गायब हो गया। शिवम निढाल होकर वहीं पड़ा था। सोनू और रोज ने उसे उठाया। पानी तो था नहीं, तो शिवम के चेहरे पर शराब के छींटे मारे।
शिवम ने उठते ही सोनू को जोर से गले लगा लिया। सोनू ने शिवम को सहारे से उठाया और दोनों चल दिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो क्या सोनू और शिवम फिरंगी चुड़ैल को अपने साथ लेकर जाएंगे? बताऊंगा अगले एपिसोड में। रुकिए रुकिए, जाने से पहले अपने इस फेवरेट सीरीज बेवड़ा भूत को लाइक करिए, फॉलो कर लीजिए और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। तो इस एपिसोड में सोनू की आवाज है विवेक की, शिवम और प्रेत हैं मनीष, फिरंगी चुड़ैल हैं सोनाक्षी। इस कहानी को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने, साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने।